इस देश में ब्राह्मणों की आबादी 3% और जज बने हुए हैं लगभग 100%, तो क्रीम तो वहाँ है, मलाई तो वहाँ है, यानी हमारे शरीर पर आरक्षण की वजह से कपड़ा भी आ गया उनको क्रीम दिख रहा है, हमारी थाली में खाना भी आ गया तो क्रीम दिख रहा है। आप दिक्कत समझिए, जो उसके सामने कभी खड़ा नहीं होता था, जिसके परछाई से वो अछूत हो जाते थे, आप समझिए कि वो आज उनके सामने खड़ा है। जो उनके सामने नंगे पांव खड़ा होता था, नंगे पांव चलता था, आज 5-10 हज़ार का जूता पहन के चलता है। आप समझिए दिक्कत क्या है, जिसको नमक रोटी नहीं मिलती थी वो आज चिकन चावल खा रहा है। ये दिक्कत है उनके इमेजन का, जो है मनुवादियों के जो इमेजिनेशन का जो दलित है वो है नंग धड़ंग दलित, बिना कपड़ा पहने हुए दलित, भूखा दलित। हमने पानी पीने का हक लड़के हासिल किया है। माता सावित्री बाई फूले पढ़ाने जाती थी, गोबर फेंका जाता था, पढ़ने के लिए कलम ऐसे ही नहीं आया हमारे हाथ में। माता सावित्री बाई फूले ने अपने बदन पर गोबर के छींटे बर्दाश्त किए हैं, बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी है, सब कुछ लड़कर मिला है। नहीं लड़ते तो आप भूखे प्यासे मर जाते, बिना लड़े हमें कुछ नहीं मिलना, ये तो हमें शौचालय में डाल ही रहे हैं। दिक्कत यह है कि सुप्रीम कोर्ट हम लोगों के ऊपर क्रीमी लेयर लगा रहा है। मजा ये है कि क्रीम जो है कहीं और है, मलाई कहीं और है, और लेयर कहीं और लगा रहे हैं। क्रीम है जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वहाँ क्रीम है, जो वाइस चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी में वहाँ क्रीम है। आप बताइए, डी वाई चंद्रचूड़ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इसका बाप जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, इसका बेटा जो है अभिनव चंद्रचूर, ये अभी बम्बई हाई कोर्ट में जो है वकील है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा भविष्य में। तो ये जो बाप बेटा सब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जो तीसरा पीढ़ी बनने जा रहा है, क्रीम तो वहाँ है, वहाँ क्यों नहीं लेयर लगा रहे हो? इस देश में ब्राह्मणों की आबादी 3% और जज बने हुए हैं लगभग 100%, तो क्रीम तो वहाँ है, मलाई तो वहाँ है, लेयर खोज रहे हैं आप यहाँ। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में 80,000 केसेस पेंडिंग हैं चंद्रचूड़ जी, उसको ख़त्म करिए, उस पर ध्यान दीजिए। पूरे देश से 80,000 केसेस लगभग सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, वहाँ क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? जो वंचित लोगों का जो हक खाने की बात कर रहे हैं, इनका आरोप रहता है कि यूपी में जाट, बिहार में पासवान और राजस्थान में मीणा जो है सबका हक खा गए। हम भी उनकी बात मान जाएंगे, लेकिन इसके पीछे दो सवाल का जवाब देना होगा। ये जो आंकड़े हैं जिन जातियों के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं इनका हक खा गया, तो ये बताइए ये आंकड़ा चंद्रचूड़ जी के पास कहाँ से आया? क्या चंद्रचूड़ जी के पास 1 अगस्त के पहली रात को कोई सपना आया था? क्या उनको जो है वो नास्त्रेदमस के रिश्तेदार हैं, भविष्यवाणी हुई है उनके पास? चंद्रचूड़ जी ने अलग से कोई जाति जनगणना कराई जिसका पता हम लोगों को नहीं है, या फिर अंदाजी टक्कर लगा रहे हैं? आखिर जिस आधार पे वो कह रहे हैं कि कुछ जातियों का ओवर रिप्रेजेंटेशन है, बताना चाहिए, तो आधार तो बताने। दूसरा फैक्ट ये है कि आप बताइए, अगर जाटवों ने आरक्षण का लाभ उठा लिया, क्रीम आ गया, तो कितने जाटव के पास 100-200 एकड़ ज़मीन हो गई, कोई बता दे? कितने जाटव आरक्षण का लाभ लेके 100-200 एकड़ ज़मीन ले लिए? कितने पासवान दुसाद जो है देश के 4-5 शहर में उनका अपार्टमेंट हो गया? कितने जो है चमारों का जो है अमेरिका इंग्लैंड में 4 फ्लैट है, प्रॉपर्टी है, कहीं कुछ नहीं है? यानी हमारे शरीर पर आरक्षण की वजह से कपड़ा भी आ गया उनको क्रीम दिख रहा है, हमारी थाली में खाना भी आ गया तो क्रीम दिख रहा है। आप दिक्कत समझिए, जो उसके सामने कभी खड़ा नहीं होता था, जिसके परछाई से वो अछूत हो जाते थे, आप समझिए कि वो आज उनके सामने खड़ा है। जो उनके सामने नंगे पांव खड़ा होता था, नंगे पांव चलता था, आज 5-10 हज़ार का जूता पहन के चलता है। आप समझिए दिक्कत क्या है, जिसको नमक रोटी नहीं मिलती थी वो आज चिकन चावल खा रहा है। ये दिक्कत है उनके इमेजन का, जो है मनुवादियों के जो इमेजिनेशन का जो दलित है वो है नंग धड़ंग दलित, बिना कपड़ा पहने हुए दलित, भूखा दलित।
ये आदिवासी जो है ये सोचते हैं कि पत्ता लपेट के हु ले करे वही आदिवासी रहे, तो इनका इमेज ऐसा है। आप लोगों के साथ जातिवाद नहीं होता क्या, ये लग रहा सुप्रीम कोर्ट? इस देश की राष्ट्रपति जब उड़ीसा के मंदिर में गई तो उनको गर्भगृह नहीं जाने दिया गया। जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे बिहार के, वो सारण सिवान के मंदिर में गए, मंदिर धोया गया। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री आवास खाली किए तो मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया। तो क्या वहाँ क्रीमी लेयर नहीं था इनके हिसाब से? तो एक तो पहले यह जो आधार ये बना रहे हैं असंवैधानिक आधार, यह जो है आरक्षण आर्थिक सुधार का कार्यक्रम ही नहीं है। आप इसमें आर्थिक जोर क्यों रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के किस पन्ने में लिखा है कि जो है आरक्षण आर्थिक सुधार का कार्यक्रम है? मेरी जानकारी में है कि सरकार की लगभग 37-38 योजनाएं आर्थिक सुधार के लिए चल रही है। मनरेगा की लाइन में जाके लगी, आर्थिक सुधार चाहिए तो ऊपर उठने का क्या मतलब है? IPS भी राजस्थान के जयपुर में जाता है बारात लेके, तो घोड़ी चढ़ के बारात नहीं ले जा सकता है। ये कितना ऊपर उठ गए भैया, इतना ऊपर उठा दिए कि दलित आज़ादी के 7.5 दशक बाद भी घोड़ी नहीं चढ़ सकता, मूछ नहीं रख सकता। एक भी जो है वाइस चांसलर जो है दलित नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। आपके यहाँ जज जो है अभी तो 3 बन भी गया है, आदिवासी जज नहीं है। और आप कह रहे हैं क्लासिफिकेशन, बंटवारा, वर्गीकरण, कैसे बंटवारा करेंगे? आपने आदिवासियों को भी समेट लिया। इस देश में 7 IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और 7 IIM मिला के 0 आदिवासी प्रोफेसर हैं, उसमें कैसे बंटवारा करेंगे? 00 लगाएंगे कि 10 तुम रखो, 10 0/2 नहीं, लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं और कल तक आप लोगों को मीडिया को भी सूचित कर दिया जाएगा, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यह जो लड़ाई है छोटी लड़ाई नहीं है, इसे हम ऐसे नहीं छोड़। बिल्कुल, और उसका असर होता है। 2 अप्रैल 2018 को भी हमने लड़ा था और आज भी हम लड़ रहे हैं, क्योंकि इस देश में हम लोगों को, अरे भाई जो हमको पानी नहीं पीने दिया, पानी पीने का हक भी बाबा साहब ने लड़के दिलाया था, हमको हक अधिकार ऐसे दे देगा क्या? लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा, लड़ाई हमारी परंपरा है। हमने पानी पीने का हक लड़के हासिल किया है। माता सावित्री बाई फूले पढ़ाने जाती थी, गोबर फेंका जाता था, पढ़ने के लिए कलम ऐसे ही नहीं आया हमारे हाथ में। माता सावित्री बाई फूले ने अपने बदन पर गोबर के छींटे बर्दाश्त किए हैं, बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी है, सब कुछ लड़कर मिला है। तो हम लोगों का जो आत्मसम्मान है वो कोई ऐसे दे देगा क्या? लड़ना पड़ेगा और हम लड़ रहे हैं। लड़ना पड़, नहीं लड़ते तो आप भूखे प्यासे मर जाते। बिना लड़े हमें कुछ नहीं मिलना, ये तो हमें शौचालय में डाल ही रहे हैं, ये तो चाह ही रहे हैं कि जो है सरकार ने कह दिया ये फैसला लागू नहीं होगा, तो फिर दिक्कत क्या है आप? मोदी जी रोज कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि आरक्षण कोई छू नहीं सकता है, और तमाम PSU जो हैं जितने भी सरकारी संस्थान थे सबको मोदी जी ने बेच दिया, आरक्षण खत्म करा दिया। जितने भी विश्वविद्यालय में नियुक्ति हो रही है कहीं रोस्टर का पालन नहीं कर रहा है, ये लेकर आए थे लेटरल एंट्री। हमारे दबाव में, हम लोगों के संघर्ष के दबाव से पीछे हटे हैं, IAS तक वो बना दे रहे हैं बिना परीक्षा के, और इनके बात पर क्या भरोसा? भैया पिछली बार संविधान पे माथा टेका था मोदी जी ने, संसद में संसद बदल गया, इस बार संविधान में माथा टेका है, अब पता नहीं संविधान को कौन बचाएगा। आज जो भी लोग पूरे देश में सड़क पे हैं वो किसी नेता के मोहताज नहीं है। हम लोग जब आए हैं तो किसी नेता का मोहताज होकर नहीं आए हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। हमारे लिए इस देश के दलित समाज की लड़ाई जो है वो राजनीति की लड़ाई नहीं है, ये हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है, ये हमारे गौरव की लड़ाई है। वो सब जो बाबा साहब अपने बच्चों की कुर्बानी देकर हमको देकर गए, उसको बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। नहीं, सत्ता में भी जो लोग हों हमारी बात करें ना, हम तो चाहते हैं, हम एक जनता के जितने जो जनता है, हर व्यक्ति तो सत्ता में नहीं जाएगा ना, लेकिन सत्ता की अपनी मांगे हैं, अपनी ज़रूरतें हैं, तो अपनी मांगों के पक्ष में हम सड़क पर उतरे हुए हैं। और सरकार सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं देखें वो किसके पक्ष में खड़े होते हैं। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की चुलबाजी देखिए ना, अपना 80,000 पेंडिंग केस छोड़ के वो जो है सुप्रीम कोर्ट पड़ा हुआ है संसद में हस्तक्षेप करने। भैया कानून बनाने का काम संसद भवन का है,
संसद को अपना काम करने दीजिए। हमने 543 सांसद चुनकर भेजे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, हम देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि कौन सी राजनीतिक पार्टी हमारे पक्ष में कानून विधेयक लेकर आता है, कौन विपक्ष में रहता है, हम देख लेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट को क्यों चुल पड़ी है? संसद को अपना काम करने दीजिए, हमारे हम देख लेंगे ना, जो हमारे सांसद हैं हम चुनाव में देख लेंगे इनको।